असलम डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा क्वेश्चन है वट इज़ डिज़ास्टर रिस्क हाउ डू वी कैलकुलेट इट डिज़ास्टर रिस्क किसको कहते हैं और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं डिजास्टर रिस्क इज एक्सप्रेसड एज द ऑफ लॉस ऑफ लाइफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एंड डैमेज फ्राम अ डिज़ास्टर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम डिजास्टर रिस्क इज़ वाइडली रिकॉगनाइज एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ए हज़ार एंड दिक्स दैट मेक पीपल एंड प्लेस वेबल एंड एक्सपोज डिज़ास्टर रिस्क को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है ये एक अंदेशा होता है जान जाने का या तबाही मचने का या डैमेज जो होता है डिज़ास्टर से एक गिवन पीरियड में तो उस रिस्क को वो जो खतरा रहता है उसको हम डिज़ास्टर रिस्क कहते हैं ठीक है डिज़ास्टर रिस्क को वाइडली कैसे हम रिकोगनाइज करते हैं कि ये एक इंटरेक्शन होती है हज़ार और जो लोगों के जो वर्नरेबिलिटीज़ होती हैं और जो लोग डैमेज होते हैं उनके दरमियान जो एक रिलेशनशिप है या हम कहेंगे कि उनके दरमियान जो एक इंटरेक्शन है उस चीज़ से हम डिज़ास्टर रिस्क को ज़्यादातर पहचान सकते हैं वी कैन मेजर डिजास्टर रिस्क बाय एनालाइजिंग ट्रेंड्स ऑफ प्रीवियस डिज़ास्टर लॉसेज दीज ट्रेंड्स कैन हेल्प अस टू गॉज वेदर डिजास्टर रिस्क द रिडक्शन इज बींग इफेक्टिव वी कैन ऑल्सो एस्टिमेट फ्यूचर लॉसिस बाई कंड रिस्क असेसमेंट रिस्क इज इक्वल टू हज़ार मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोजर मल्टीप्लाइड बाय वबिलिटी डिज़ास्टर रिस्क को हम मेजर कर सकते हैं जो प्रीवियस डिज़ास्टर लॉसेस हुई हैं उन ट्रेंड्स को एनालाइज करके यानी कि पुराने लॉसेस देखकर प्रीवियस डिज़ास्टर लॉसेस को एनालाइज करके उनकी अच्छी जांच पड़ताल करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि डिज़ास्टर रिस्क कितना है ठीक है और ये ट्रेंड्स हमें हेल्प करती हैं कि क्या कितना डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इफेक्टिव है जब हम एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर लॉसेज को ये डिज़ास्टर रिस्क सेसमेंट कंडक्ट करके कि आने वाले टाइम में कितना खतरा रहता है डिजास्टर्स का और रिस्क किसके बराबर होता है हजार्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोजर मल्टीप्लाई बाय वेबिलिटी अब इसी टॉपिक में एक और क्वेश्चन है हाउ टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क ये तीन पॉइंट्स हैं कैसे हम डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं डिजास्टर के खतरे को कैसे हम कम कर सकते हैं नंबर फर्स्ट अवॉइड द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रिस्कज नंबर सेकेंड एड्रेस प्री एग्जिस्टिंग रिस्क नंबर थर्ड Share and spread risk to prevent disaster losses being absorbed by other development outcomes and creating additional poverty.